ट्रेवल्स ने अभी अभी एक जो है बस ली है भारत बेंच की इस रूट के लिए, तो मैं तो आपके लिए वीडियो बनाते हैं ये इस रूट पे। देख लीजिए यहाँ पे जो अपने को मिलता है पिलो, बैकरेस्ट लगा हुआ है और USB चार्जिंग पॉइंट है। सब कैसे रोकते हो भाई साहब, ये होता है दिमाग। स्वागत है आप सभी का बसेस क्लिक की एक और नई वीडियो में। आज की हमने जर्नी रहने वाली है उदयपुर से दिल्ली। उदयपुर से दिल्ली अपन जाएंगे ऋषभ ट्रेवल्स में। ऋषभ ट्रेवल्स ने अभी अभी एक जो है बस ली है भारत बेंच की इस रूट के लिए, तो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बनाते हैं इस रूट पर, आप लोगों ने बोला भी था। तो पूरा बताऊँ कैसे बस है अपनी, कैसे एमिनिटीज है बस के अंदर, कैसा रूट रहता है और कैसे कम्फर्ट है बस का। अभी मैं जो हूँ सरदारपुर में हूँ पंचवटी में, तो करते हैं जर्नी को स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट कैसे मैं बता देता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप मेरी वीडियो लाइक कर सकते हैं, ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। करते अपन जर्नी को स्टार्ट। सबसे पहले अपनी बस जो है वो है आरके सर्कल पे, और मैं जो हूँ यहाँ पे हूँ सरदारपुर में पंचवटी में। और जो अपनी बस है वो अपने को मिलेगी पिकअप वैन से, मतलब अपने पिकअप वैन से यहाँ से जाएंगे और अपने को वहाँ पर बस मिलेगी अपनी जो मेन बस है। दिन में जो है यहाँ पे उदयपुर में हैवी व्हीकल्स अलाउड नहीं होते, जो उदयपुर वाला एरिया और या फिर ये वाला एरिया, तो इसलिए जो है पिकअप वैन वाला कंसेप्ट रहता है यहाँ पे, जो कि सही है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस का जो टाइमिंग है वो है लगभग 6:30 बजे का, और अभी टाइम जो हो रहा है कुछ 6:15, तो पिकअप वैन बिल्कुल आने वाली है मेरी। तो मैं जब हूँ आरके सर्कल पहुँच के आपको दिखाता हूँ बस, देखते रहिए आप लोग। पिकअप वैन आ चुके हैं यहाँ पे, अपन इसमें बैठते हैं और फिर जाते हैं आरके सर्कल। तो ये देख लीजिए बस अपनी, अभी अपन आ चुके हैं आरके सर्कल के यहाँ पे देख लीजिए ट्रेवल्स का ऑफिस बना हुआ है और पार्किंग भी यहाँ पे देख लीजिए। तो जयपुर वाली बस खड़ी जिसको मैंने वीडियो बनाई थी पहले, और अभी ये वाली बस देख लीजिए। बस का आपको वॉकआउट में देने की कोशिश करता हूँ, हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे बायस की वजह से कीचड़ हो रहा है, पर फिर भी देने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए पीछे से देखिए, शिवा कोच बिल्डर ने बस बनाई है, वहाँ पे लिखा हुआ है देख लीजिए, और भारत बेंच की बैजिंग हुई हुई है, वेबसाइट वगैरह लिखी हुई है, और पीछे से भी अच्छा लुक आ रहा है भाई साहब। यहाँ पे जो है मर्सिडीज का लोगो लगा रखा है और पार्किंग भी अच्छी बनी हुई है, देख लीजिए। उदयपुर जयपुर वाली बस, इसकी वीडियो मैंने बनाई थी, हालांकि बहुत पहले बनाई थी वो, पर ये बस भी अच्छी है। और ये अपनी बस है, अभी आपको इंटीरियर दिखाता हूँ बस के, पैसेंजर वगैरह बोर्ड कर रहे हैं, फिर दिखाता हूँ इंटीरियर। ये ड्राइवर्स केबिन पूरा बहुत सही से बना हुआ है, भारत बेंच की बस है अपनी, यहाँ पर लोगो लगा हुआ है देख लीजिए भारत बेंच का, और अच्छी खासी बस बनी हुई है। मैं इंटीरियर देख के आ चुका हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ मैं इंटीरियर, देखते रहिए आप लोग। इंटीरियर दिखा देता हूँ आपको मैं, देख लीजिए यहाँ पे जो अपने को मिलता है पिलो, बैकरेस्ट लगा हुआ है और USB चार्जिंग पॉइंट है। हालांकि ये जो है जो लोग आईफोन यूज़ करते हैं उनके लिए दिक्कत वाली बात है। आगे अपने को जो है सूर्यक मिलता है और ब्लैंकेट मिलता है, हालांकि इसमें जो है आप शूज़ नहीं रखे तो बेटर है, नीचे रख दीजिएगा शूज़, क्योंकि ऊपर जो है मतलब बर्फ तो गंदा ही करेगा आपकी। नीचे देख लीजिए यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस मिला हुआ है, आपको शूज़ वगैरह रख सकते हैं अपने, आपको दिखाता हूँ डबल स्लीपर, देख लीजिए वही ब्लैंकेट मिला हुआ अपने को, सूर्यक या सामान रखने के लिए आपके लिए जगह है, ऊपर रीडिंग लाइट मिलती है अपने को, और ये हो गया USB चार्जिंग पॉइंट, और बैकरेस्ट वगैरह लगे हुए हैं अच्छे खासे, और ये मिले हुए अपने को पिलो, तो देख लीजिए अच्छे खासे वैसे इंटीरियर बना हुआ है, और विंडो भी अच्छे खासे दी हुई है अपने को, तो ऐसे अभी आपको दिक्कत नहीं आने वाली बस में। और बाकी आपको फेयर वगैरह और जो बाकी इंटीरियर होती है बताता हूँ आपको, देखते रहिए आप लोग। तो देख लीजिए अभी मैं केबिन में आ चुका हूँ, अपना जो रूट रहेगा वो रहेगा वाया नाथद्वारा भीम ब्यावर होके, और फिर हम पहुँचेंगे जयपुर, और फिर जयपुर से हम पहुँच जाएंगे दिल्ली। बाकी अपने यहाँ पे देख लीजिए ड्राइवर साहब, क्या नाम है आपको भैया? और भैया आपका नाम? और भैया आपका नाम क्या है? फिर देख लीजिए ये तीनों स्टाफ रहते हैं, दो ड्राइवर हो गए और एक कंडक्टर हो गए। और अभी हम जो जा रहे हैं नाथद्वारा वाले रूट पे, ये रूट मैं दिखा रहा था एक बार आपको,
अच्छा खासा बना रखा है, हेडरूम भी अच्छा खासा है, तो मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो इस वजह से सही है, तो बाल भी ऊपर तो इस वजह से थोड़ा अड़ रहा है, पर सही है, सच कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखिए लाइट्स लगा रखी हैं इन्होंने, ये मुझे अच्छी लगी, जो ये MG जो कोच बिल्डर है उनका कंसेप्ट है, अच्छी चीज़ है ये, अच्छा लगता है मुझे ये। बाकी रीडिंग लाइट है जिसके थ्रू मैं वीडियो बना रहा हूँ, लाइट चाहिए रहती है, और शटर लगा रखी बस के अंदर, तो प्राइवेसी की दिक्कत आपको होने नहीं वाली। और बाकी पिलो मिला हुआ है और ब्लैंकेट मिला हुआ है, तो अच्छी खासी भाई साहब नींद आने वाली है। रूट में जैसे मैंने बताया कि अपना रहेगा वाया नाथद्वारा भीम ब्यावर जयपुर, और फिर जयपुर से मेरे ख्याल से ये लोग एक्सप्रेस वे से नहीं होके जाएंगे, जो पुराने वाले रोड है उससे होके जाएंगे, और दिल्ली जो है हम पहुँचेंगे, जो ऑनलाइन जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है लगभग कुछ मेरे ख्याल से 7 बजे का, और मेरे ख्याल से 7 बजे का अपन पहुँचेंगे, थोड़ा लेट तो है क्योंकि बीच में जो है ट्रैफिक रहता है। और बस के जो बोर्डिंग पॉइंट है वो आपको ऑनलाइन जो है RK सर्कल से दिखाएगा, पर आप ऑफलाइन अगर बुक करेंगे या फिर मेरे ख्याल से ऑनलाइन बुक करके इनको फ़ोन कर देंगे तो ये लोग पिकअप वैन आपके लिए अरेंज कर देंगे, पिकअप वैन तो आती है तो आपके लिए अरेंज कर देंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं रहेगी उसमें, आप वो देख सकते जो भी रहेगा। और फेयर जो रहता है वो बताऊँगा आपको रेस्ट स्टॉप पर मैम, और बाकी बस अच्छी बनी हुई है, बस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेस्ट स्टॉप अपना जो आएगा 10 बजे, बात करते हैं आपसे, देखते रहिए। ये देखिए भाई साहब ये भी अच्छी खासी बना रखी है शिव जी की मूर्ति, इसके मैं बताता हूँ आपको, ये जो है मिराज ग्रुप के जो ओनर है उन्होंने बनवाया है। तो जी आ चुके हैं नाथद्वारा, और यहाँ से जो मेरे ख्याल से बोर्डिंग का टाइम है वो है कुछ 7:45 बजे का, और अभी जो है हाँ इतना ही हो रहा है लगभग, आप देख लीजिए 7:47, ये देख लीजिए नाथद्वारा का जो बस स्टैंड बना हुआ है, अच्छा खासा बना हुआ है, यह अब बन गया, पहले तो नहीं था इतना कुछ खास पर अब बन चुका है, क्योंकि भाई साहब श्रीनाथ जी के लिए फेमस है ये, तो बस स्टैंड तो अच्छा खासा होना ही चाहिए, अच्छा है वैसा बस स्टैंड वगैरह बना हुआ है, और यहाँ से भी बोर्डिंग मेरे ख्याल से रहेगी अब पैसेंजर की, बाकी देखते रहिए आप लोग। तो जी अभी हो रहा है लगभग टाइम कुछ रात के 5:45, और अपना आ चुका है हॉल्ट डिनर के लिए, हालांकि मैं जो हूँ डिनर करके आया हूँ उदयपुर से, और होटल देख लीजिए यहाँ पे, होटल है श्री राधा कृष्ण होटल, ये बस अपनी खड़ी हुई है, बस भाई साहब मुझे अच्छी लगी, मैं आपको सही से सुबह सुबह दिखा पाऊँगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अंधेरा ही है अभी भी। और बाकी भाई साहब बात करें अपने स्टाफ की, स्टाफ बहुत ज़्यादा अच्छा है, और अपने पानी की बोतल मिली थी बस में, तो मैंने आपको दिखाई नहीं थी पर मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और स्टाफ अच्छा है, दो ड्राइवर एक कंडक्टर है, दोनों भाई साहब अच्छे हैं, ऋषभ ट्रेवल्स में स्टाफ तो अच्छा रहता है, लास्ट टाइम भी जो एक जीतू भाई थे अपने उदयपुर जयपुर जर्नी वो भी अच्छे, वो तो मुझे आज से भी मैसेज टच में। और जी बात करें बस की, तो बस जो है 13.5 मीटर की है, और भारत बेंच इस पर बनी हुई है, भारत बेंच की भाई साहब अभी जो स्टेशन की 13.5 मीटर वाली उस पर बनी हुई है, शिवा कोच बिल्डर ने बस को बनाया है, और आप भाई एक मानेंगे नहीं कि मेरा जो स्लीपर है वो है लास्ट सेकेंड का सिंगल वाला अपर, और मुझे बिल्कुल मतलब ऐसे झटके या फिर जो ऊपर नीचे बस होती है वो बिल्कुल फील नहीं हो रहा, क्योंकि अच्छे बना रखे बस स्टेशन वगैरह अच्छी बनी हुई है, स्टेशन में अच्छी लगी। बाकी फेयर बता देता हूँ बस का, फेयर जो रहता है वो रहता है 900 से 1000 रुपीज़ तक, वो वेरी करता है, कई बार ज़्यादा चले जाता है, कई बार कम भी हो जाता है ना, तो ये फेयर रहता है। और बस जो है आपको नागौर से बोर्ड कर सकते हैं आप या फिर उदयपुर से कर सकते हैं। तो जी हॉल्ट ऑलमोस्ट हो गया अपना कम्प्लीट, अभी अपने ड्राइवर साहब जो भी आने वाले हैं, और मैंने जो है यहाँ पे एक लिए इनसे माल, तो इन्होंने वही 10 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए, वो चीज़ मुझे थोड़ी सी बुरी लगती है, और बाकी वॉशरूम वगैरह जो है वो थोड़े सही नहीं बने हुए, तो रेस्टॉप जो है थोड़ा सा सही नहीं लगा मुझे, थोड़ा सा अभी बेटर हो सकता था, पर वही इस साइड की ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पे अगर आप घूमती से आगे निकल गए तो फिर आपको अच्छे वाले रेस्टॉप नहीं मिलेंगे, ये हाईवे की दिक्कत है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम 4 एंस में आया था तो 4 एंस में भी ये दिक्कत थी, ठीक है। और बात करें भाई साहब अपनी, जो अभी अपन कितने बजे पहुँचेंगे, तो अभी भाई साहब यहाँ से निकल रहे हैं लगभग अपन 7:30 बजे, तो फिर अपन सुबह मेरे ख्याल से 7:30-8 अपने को बजेंगे आराम से, है ना, बाकी जल्दी ही पहुँच सकते हैं भाई, भरोसा नहीं भाई आजकल एक्सप्रेस वे से जाते तो भाई जल्दी ही पहुँच सकते हैं, हालांकि मेरे ख्याल से ओल्ड हाईवे से जाएंगे क्योंकि इतना मुझे आइडिया है ना। और बाकी भाई साहब और जो जर्नीज है आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं वो मैं नोट करके अभी बना रहा हूँ धीरे, क्योंकि मैं इतने दिनों से एग्जाम बिजी था अपने, इसलिए नहीं बना पाया था, पर मैं धीरे बना रहा हूँ सारे वीडियोज़, जो भी वीडियोज़ रहती है मतलब बनाने के लिए कि भाई आपको इस फोटो बनानी है या इस फोटो बनवानी है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँ दिल से बनाने का उसको, बाकी देखते रहिए आप लोग, कैबिनेट होकर दिखाता हूँ आपको। जी टाइम हो रहा है अभी सुबह के 5, और हम आके रुके हैं अभी एक 5 मिनट के हॉल्ट पे,
वॉशरूम का हॉल्ट हो गया, साथ में डीजल वगैरह भरा तो उसका हॉल्ट हो गया। अभी आप देख लीजिए यहाँ पे अपनी बस खड़ी हुई है, और भाई साहब ये जो पेट्रोल पंप पे, अगर आप इस रूट पे ट्रैवल करें तो फेमस है आप भैया आए हुए होंगे, क्योंकि जितने भी बस और ट्रक्स हैं वो सब इस मतलब पेट्रोल पंप पे रुकते ही हैं। आप बोलेंगे ऐसा क्यों, तो भाई साहब ये होता है दिमाग और बिजनेस। ये तो पेट्रोल पंप पे मतलब ये लोग क्या है थोड़ा सा मतलब कमीशन होगा जैसे ड्राइवर को, या फिर आप बोले जो स्टाफ होता है उनको, तो क्या होता है ना जो ड्राइवर्स वगैरह वो अपनी मतलब गाड़ी में यहाँ पे रोक के जाने पहन करके, तो उससे क्या होता है ना उनको और फायदा होता है, मतलब ऊपर ही कमा होती थोड़ी सी, तो इस वजह से क्या होता है ना सबके सब अपनी गाड़ी यहाँ पे रोकते हैं। अभी ऋषभ हो गया अपना, अजय ट्रेवल्स यहाँ पे रोकते हैं, विकास ट्रेवल्स भी यहाँ पे रोकते हैं, अभी गायत्री खड़ी यहाँ पे देखो वो भी रोकते हैं, सबके सब ऑलमोस्ट रोकते हैं यहाँ पे। जय श्री गणेश ट्रेवल है वो हरिद्वार होती है वो भी रोकते हैं, सबके सब रोकते। तो भाई साहब ये होता है दिमाग, ठीक है। अब बात करते हैं भाई साहब बस कम्फर्ट की, कम्फर्ट अच्छा है, ऐसा है कि भाई साहब मैं सो रहा था इतनी देर से, आपको लग भी रहा होगा उसको देख के मैं मस्त सो रहा था, है ना। पर ये है कि थोड़ा सा जो भीम बिहार रास्ता है ना थोड़ा सा रास्ता थोड़ा ख़राब है, तो उसमें क्या है ना बस बार मतलब डाइवर्जन लेती है, और इसको थोड़ा सा वो मुझे लगा कि थोड़ा मतलब वाला रास्ता ले सकते, दूसरा वाला जो है अपना वाया भिलवाड़ा होके, भिलवाड़ा अजमेर, भिलवाड़ा किशनगढ़ होके वो ले सकते थे इंस्टेड ऑफ दिस। बाकी कंटिन्यू करते जर्नी को, मैं आपसे मिलता सुबह सुबह, देखते रहिए आपको। आ चुके हैं अपन लोग दिल्ली,
और दिल्ली में जो है फिल्मिस्तान के यहाँ पे अपना डिबोर्डिंग पॉइंट रहता है और बोर्डिंग पॉइंट भी रहता है अगर आप वापस दिल्ली से उदयपुर जाएंगे तो। और जो ये लोकेशन है ये आपको गूगल पर मिल जाएगी, गूगल पर आप ट्रेवल करेंगे तो आपको ये लोकेशन मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं बस के बारे में और मैं एक्सपीरियंस के बारे में। बस जो अच्छी बनी हुई है और सारी चीज़ें सही है, पिलो वगैरह मिलता है अपने को, बस एक दो दिक्कत जो है वो है USB चार्जिंग पॉइंट है और अपने जो रूट है वो होता है भीमबिया और ओके। तो अगर आप लोग भिलवाड़ा या अजमेर से तो नहीं पर भिलवाड़ा या चित्तौड़गढ़ इधर से आना चाह रहे तो इस बस में नहीं आ पाएंगे, है ना। और बाकी सब तो सही है और टाइम आपको बता देता हूँ मैं, टाइम हो रहा है फिक्स 7:01, तो हाँ भाई जैसा मैं सोच रहा था 8 बजेंगे या 7:30 बजेंगे पर इन्होंने बिल्कुल 7:01 पर यहाँ पहुँचा दिया, तो ये चीज़ भी अच्छी है। और बाकी जो एमिनिटीज़ वगैरह है वो सब तो सही थी, पानी बोतल वगैरह मिली थी जैसे बताया मैंने आपको, स्टाफ भी अच्छा है, स्टाफ ने तो वैसे मतलब इवन मुझे हेल्प भी कर दिया कि मतलब मुझे कैसे जाना है यहाँ से, क्योंकि मैं जो हूँ आज तक जब जितनी भी जर्नी करके आया हूँ मैं हमेशा जो हूँ कश्मीरी गेट या फिर 30,000 पर उतरा हूँ, पर इन्होंने जो है आज मुझे फिल्मिस्तान पर मतलब नया डिपोर्टिंग पॉइंट है मेरे लिए, तो इन्होंने बताया मुझे कैसे आपको जाना है यहाँ से, तो भाई वो मेरे लिए अच्छी थी और हेल्प हो गई मेरी। बाकी यही है, रेटिंग्स वगैरह आपकी स्क्रीन पर आई होगी। मैं करता हूँ वीडियो को एंड, आप लोग कैसे लगी वीडियो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट कीजिए क्या चला क्या बेटर हो सकता है, शेयर कीजिएगा ताकि आपके लिए मैं और दिन ला सकूँ और चैनल दबा के। तो मिलते हैं अपन लोग किसी और नई वीडियो में किसी और नई जर्नी में, तब तक के लिए गुड बाय।